सो हेलो मेरे भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवीएस एनिमे हिंदी। जैसे कि तुमने थंबनेल और टाइटल देखा है, आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट को वानो कुनी में इंटरेस्ट है, वो भी इतना ज्यादा। कुछ ज्ञानी पंडित को लगता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को सिर्फ निको रॉबिन चाहिए, बट ऐसा नहीं है, उन्हें अपना कब्जा पूरे वानो कुनी पे चाहिए। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा। तो चलो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं और एक साल पीछे चलते हैं। मैं वन पीस के टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल वर्ल्ड के टाइमलाइन की बात कर रहा हूँ। एक साल चलो हम लोग पीछे चलते हैं, जब एपिसोड 958 आया था। वहां पर तुम्हें याद होगा मैंने उसका रिव्यू भी किया था, उस वाले एपिसोड का। जिसने देखा है, जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, उसको अभी याद आ रहा होगा। वहां पर अकाइनो सेनगोकू के पास जाकर के कुछ बोलता है कि इसके बाद आता है अकाइनो। अकाइनो और सेनगोकू आपस में बात करते हैं। यहाँ पर बताता है कि एक बंदा था जिसे जो व्हाइट बियर्ड ने वानो कुनी से उठाया था, वो बंदा एडवर्ड न्यूगेट के शिप का कमांडर था। और उसके बाद रॉजर के आखिरी सफर के टाइम पे वो रॉजर को वन पीस खोजने में भी हेल्प करता है। वो बंदा कोई और नहीं, वानो का शोगुन, वानो का रूलर कोजुकी ओडेन था। और ये चीज हमें आगे जा करके ओडेन के बैक स्टोरी में मालूम पड़ता है कि अगर ओडेन नहीं होता तो रॉजर शायद कभी लाफ्टेल पहुंच ही नहीं पाता। अब देखो, वर्ल्ड गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम है, पॉनिक्लिप से लेकर लाफ्टेल तक, वन पीस में क्या ये सब कुछ उसको पता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, उन्हें वानो में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इसका जवाब तभी मालूम पड़ेगा जब हम ये सोचेंगे, अगर वो लोग वानो कुनी को हासिल कर लेते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। अब जैसा कि तुम सब जानते हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट वन पीस के लगभग आधे वर्ल्ड पे राज करती है और बाकी के आधे हिस्से पे योंको का कब्जा है। लेकिन अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट वानो पे कब्जा कर लेती है तो न्यू वर्ल्ड के किसी भी हिस्से पे उसका कब्जा होगा। प्लस वानो एक ऐसा आइलैंड है जहां से लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन और लेजेंडरी स्वॉर्ड्समिथ निकले हैं, जैसे शिमोसुकी कुजाबुरो जिसने एनमा बनाया था। और वहीं अगर हम लोग लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन की बात करें तो आता है र्यूमा, और ऐसे ही बहुत सारे यार स्वॉर्ड्समैन है। वो सामुराई का कंट्री है, सामुराई का आइलैंड है। वानो कुनी पे कब्जा मतलब पावर, और ये उनके अंडर आने के बाद इनका पावर बढ़ जाएगा। प्लस इनके लिए योंको को डिफीट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। प्लस जो खतरा अभी लूफी दे रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट को, उसका कभी भी इनको टेंशन ही नहीं रहेगा। कैसे, याद करो जब रॉजर ने ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट किया था, वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि जब रॉजर ने सेल करना स्टार्ट किया, वो वर्ल्ड के हर जगह पे घूमा, वर्ल्ड के हर हिस्ट्री को जाना, जहाँ तक कि वन पीस में क्या है, वर्ल्ड सेंचुरी की हिस्ट्री से लेके विल ऑफ डी तक सब कुछ उसने जाना। और ये चीज वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी, और लास्ट में उसने खुद को सरेंडर कर दिया। यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मौके का फायदा उठाना चाहा और उसको दिया पब्लिक एग्जीक्यूशन, जिससे कोई भी बंदा पायरेट बनने के लिए इंस्पायर नहीं हो सके। बट यहाँ पर उसने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया, क्योंकि रॉजर ने वहां पर चिल्ला करके बोल दिया, इफ यू वांट माय ट्रेजर यू कैन हैव इट, जाओ जाके खोज लो। रॉजर का वो गोल्डन लाइन सुन करके हर बंदा पायरेट बनने के लिए इंस्पायर हुआ और वन पीस को खोजने के लिए निकल पड़ा। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट का सरदर्द शुरू होने लगा, आधा दुनिया तो ऐसे योंको ने छीन रखा है। ऑप्शन क्या बचता है, पायरेट्स को न्यू वर्ल्ड में घुसने से रोको, क्योंकि अगर वो वहां पर घुसने में कामयाब हो गए, तीन चीजें होंगी। पहला, वो योंको के अंडर काम करेगा। सेकंड, वो योंको बन जाएगा। या फिर थर्ड, वो पायरेट किंग बनेगा। और तुम सब जानते हो इन तीनों से 36 का आंकड़ा है वर्ल्ड गवर्नमेंट का। अब तुम सोचो, अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट वानो कुनी पे कब्जा करने में कामयाब हो जाती है, क्या क्या चीजें होंगी। जो पायरेट्स न्यू वर्ल्ड घुस जाते हैं उनको पकड़ना आसान होगा। सेकंड चीज, पावर आएगा तो वो लोग यार अपने आप ही योंकोस को टेक डाउन कर देंगे। थर्ड, वानो में एक रोड पॉनिक्लिफ है, और वो चीज जानने के बाद तो वर्ल्ड गवर्नमेंट वो रोड पॉनिक्लिफ को ऐसे यार सिक्योरिटी देगी ना, जैसे वो सेलेस्टियल ड्रैगन को भी नहीं देती। और ये सारी चीजें होने के बाद किसी भी बंदे के लिए पायरेट किंग बनना तो आसान नहीं होने वाला। अब समझ में आया वर्ल्ड गवर्नमेंट को आखिर क्यों वानो कुनी चाहिए। खैर, जो कुछ भी था ये तो मेरा ओपिनियन था, अब तुम लोग को क्या मानना है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना। साथ ही साथ अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। अगर तुम इस चैनल पे घूमते घामते नए आ गए हो तो जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पे मैं वन पीस रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, जिससे तुम सब यार वन पीस रिलेटेड कंटेंट को एंजॉय कर सको, वो भी हिंदी में। तो अगर तुम लोग वन पीस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे मैं हमेशा यार मोटिवेट रहूं और तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय। 君の虜になった